हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 24 साल की उम्र से पहले आपके पास कौन कौन से 5 प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, और लास्ट में मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल स्किल बताऊंगा जो काफी फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो कि 24 साल 25 साल की उम्र आते आते हमें कई सारे इंटरव्यूज में अपेयर होना होता है। अगर इंटरव्यूज में नहीं भी अपेयर होना हो उसके बावजूद भी हमें हर तरह से लोगों से अच्छी तरह से पेश आना, उनसे बात करना आना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में हमारा सिर्फ बॉडी पॉस्चर या बॉडी लैंग्वेज मैटर नहीं करता, लोगों की बात हम किस तरह से सुनते हैं, उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। सो अगला पॉइंट है इमोशनल इम्बेलेंस का। वक्त के साथ लोगों का आईक्यू तो बढ़ता है लेकिन ईक्यू पर लोग काम नहीं करते, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने ईक्यू पर काम करें। लोगों को ये सोचने से ज़्यादा कि लोग क्या सोचेंगे और क्या दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, उसने मेरे बारे में ये बोला, इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रोफेशनल लाइफ में इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएं इन चीज़ों के कारण। ओके, अगला पॉइंट है कोई एक यूनिक स्किल अपने अंदर डेवलप करना। कोई भी चीज़ जैसे फोटोग्राफी या फिर डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी तरह का एक यूनिक स्किल अपने अंदर डेवलप करना जिससे आप अपना लेवलीहुड कमा सकें, आप अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकें। क्योंकि 24 के एज तक आते आते लोगों को अपना एक सेल्फ इनकम होना ज़रूरी है। लोगों को कंटिन्यूसली, क्योंकि अपने पेरेंट्स से मांगने में और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा हेजिटेशन फील होने लगता है, वो कहते हैं खुद में शर्म आने लगती है, इस टाइप की फीलिंग आने लगती है। तो इसलिए 24 के एज आते आते तक आपके पास कोई ना कोई पर्सनल इनकम का साधन जरूर होना चाहिए। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हमें इस एज तक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है, जिस तरह से मीन्स स्टॉक मार्केट में क्या कौन सा टर्म क्या है, एटलीस्ट मार्केट कैसा चल रहा है, बिजनेस न्यूज से अपडेट रहना, अलग अलग जैसे क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या है, ये इन छोटी छोटी चीज फाइनेंशियल टर्म्स से हमें अवगत रहना चाहिए क्योंकि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना कभी इन टर्म्स को जरूर फील करेंगे। ओके, अगला टर्म है परसिस्टेंट रहना। ओके, ये पांचवा पॉइंट है हमारा परसिस्टेंट रहना, मतलब किसी भी काम को कंटिन्यूअसली, कैसे हम अगर कोई काम लेते हैं अपने हाथ में तो उसको फाइनल मोमेंट तक पूरी तरह कैसे करते रहे। मीन्स आज हम लोग जो बेसिकली जो युवा वर्ग होता है, मैं हो गए या फिर जो 20 से 25 साल के बीच के लोग होते हैं, जनरली उनमें जो है सो कंटिन्यूटी नहीं होती। वो चीज़ों को शुरू तो करते हैं पर वो कुछ दिन तक करने के बाद या तो रुक जाते हैं या फिर उनका मन चाट जाता है और वो दूसरे काम करने लग जाते हैं। लेकिन आप अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ फॉलो करते हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप अगर किसी काम को नहीं करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। आपको उसके साथ कंटिन्यू काम करते रहना होगा जब तक कि आप एक लेवल तक पहुंच नहीं जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में है लेकिन अगर आप परसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, कंटिन्यूटी उस आप में नहीं रहेगी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जो मैंने एक बोनस स्किल बताया था वो है कोडिंग स्किल। जिस तरह से आज के डेट में बिजनेस एनालिटिक्स इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है, आज देखिए IITs या फिर जो भी बिजनेस कॉलेजेस हैं उन्होंने जो बिजनेस एनालिटिक्स का एक मीन्स कोर्स जो है सो कंपलसरी कर दिया है। आपको किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको बिजनेस एनालिटिक्स का एक कोर्स करना होगा। इसी तरह आने वाले फ्यूचर में, आज तो लोगों के इंजीनियर इंपॉर्टेंट नहीं समझते, सीधे लोग कहते हैं कि हाँ कोई पत्थर उछालो तो इंजीनियर को लगेगा, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन हाँ, आने वाले फ्यूचर में अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग नहीं आती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। बिकॉज सब कुछ ही जो है कंप्यूटराइज्ड होने वाला है। अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस है पर फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा, तो आपको कोडिंग स्किल्स आनी ही चाहिए। सो प्लीज़
अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, और जाते जाते मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार लाता रहूँगा। थैंक यू।